हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। अनअकैडमी जो है आपके लिए लाया है नया बैच सीएसआईआर के लिए जून 2021 का, जो आपका लाइफ साइंस का पेपर होगा उसके लिए, जो स्टार्ट होगा आपका 8 जनवरी को। अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं आपके, ज्योति कुमारी, आरती रानी, खुशबू अग्रवाल, ये जो आपका बैच फर्स्ट है उसके आपके मेंटर रहेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि 25 तारीख को जो था अनअकैडमी अपना प्राइस हाई करने वाला था। जो करंट प्राइसिंग थी, जैसे आप अगर एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते थे तो जहाँ पे आपको प्राइसिंग 2100 था, वो 25 तारीख के बाद 2900 होने वाला था। लेकिन जो है हाई डिमांड की वजह से अनअकैडमी जो है इस प्राइस हाई को 4 जनवरी तक जो है इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। मीन्स अगर आप आज ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो करंट प्राइसिंग है उसी पे आपका सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो अगर आप जो है पूरा डिटरमाइंड है, न्यू ईयर आ रहा है, अगर आप पूरा डिटरमाइंड है कि आपको आने वाला जो जून 2021 का लाइफ साइंस का पेपर होगा उसके लिए आप फुल प्रिपेयर्ड रहे, तो मैं आपसे बोलूँगा कि जो अनअकैडमी का कंप्लीट कोर्स है जून 2021 के लिए वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। प्राइस हाइक जो होने वाला था, जैसा कि आपको मैंने बताया कि वो जो है 4 जनवरी तक अब नहीं होगा, तब आपको करंट प्राइसिंग पे ही आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस एक ऑफर आपके लिए और है कि अगर आप ये इनरोलमेंट लेते हैं और ये जो मेरा रेफरल कोड है, मेरे चैनल का रेफरल कोड, जब आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो वहाँ से आपसे रेफरल कोड मांगता है, और अगर आप वहाँ पे बॉटनी 10 मेरे चैनल का रेफरल कोड लिखते हैं तो आपको इंस्टेंटली जो है करंट प्राइसिंग पे भी जो है आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो अभी के प्राइसेस हैं, फर्स्ट चीज तो वो बढ़ने वाले नहीं है और जो करंट प्राइसिंग है उस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए आज ही। अब आते हैं अपने हम लेक्चर पे। CSIR नेट JRF लाइफ साइंस में जो इजी क्वेश्चन आए थे इस बार यूनिट 9 से, जो है आपका डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, इसी जून 2020 के SIF1 का ये पेपर है। क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि ये जो आपका वो रहता है क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन, पार्ट ए में आपको 20 में से 15 करने रहते हैं, पार्ट बी में से आपको 50 में से 35 करने रहते हैं, और पार्ट सी में आपको 75 में से 25 करना रहता है। प्रॉब्लम आप हमेशा जो फेस करते हैं वो करते हैं आप पार्ट सी में, जहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से आपको 25 करना रहता है। मैंने आपसे बताया था कि अगर आप 75 में से 25 की जगह 20 भी करते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन हो जाता है, ठीक। और इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि जैसे 13 यूनिट्स हैं आपके पास और हर यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर आप कितना भी मेहनत किए रहते हैं, जो एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से 3 जो क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आए आपके, जो 3 क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए कि हम इवनली सारे यूनिट्स को पढ़ें और उसमें से जो इजी वाले 2 क्वेश्चन है वो कर लें। और ऐसा ही मैं अब आपको इस पेपर में भी दिखाने जा रहा हूँ। ये हमारे 13 यूनिट्स है, ये हमारा यूनिट नंबर 9 डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट बी से, देखिए एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपसे बोलता हूँ ना कि हर यूनिट से आपको क्या करना है, 2-2 यूनिट जो इजी वाले हैं वही पिक करना, चाहे पार्ट बी की बात हो चाहे पार्ट सी की बात हो, ठीक। पार्ट बी में 1-2 ऐसे हर यूनिट से आप करेंगे तो आपका, मैं मानता हूँ कि 20 से पार हो जाएंगे, और पार्ट सी में अगर ऐसा आप करते हैं तो आप इसमें भी 20 से पार हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट बी में अगर आप देखिए, जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आया था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, पूछा है कि ये जो स्टेट्स हैं आपके, इनके जियोग्राफिकल एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का परसेंटेज सबसे ज्यादा कहाँ पे है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो आप अगर आप देखेंगे जो हमारे नॉर्दर्न रीजन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे फॉरेस्ट जो है ज़्यादा है, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जो है, ये आप देखेंगे उड़ीसा कहाँ पे आता है आपका, आप कह लीजिए ईस्टर्न पार्ट पे आता है, साउथ ईस्टर्न पार्ट पे उड़ीसा, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के नीचे है, छत्तीसगढ़ भी बगल है थोड़ा मध्य प्रदेश के, वहाँ पे उतना फॉरेस्ट कवर नहीं पाया जाता है। उत्तराखंड जो आपका नॉर्थ में है नेपाल के बगल, वहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्थ एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो उत्तराखंड आप आराम से टिक कर सकते थे। ये देखिए, अगर आप देखेंगे ये वो है परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर है, ये छत्तीसगढ़ में 41% है, उत्तराखंड में 45% है, वहीं मध्य प्रदेश उड़ीसा में कम है, 25% और 33% पूरे
जियोग्राफिकल एरिया का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सी में। सी में एक ये आपका आसान क्वेश्चन था, देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। तो कुल मिला के ये जो यूनिट है आपका पार्ट बी में कितना देखी गई, एक देखी गई है और इजी, और यहाँ पे सी में देखेंगे आपको तीन इजी देखे गया था। और जैसे मैं बोलता हूँ हर यूनिट से आपको दो ही पिक करने हैं इजी वाले, तो इसमें एक ज्यादा होते हैं। मतलब अगर आप किसी यूनिट से दो नहीं कर पाते, एक ही कर पाते, तो ऐसा होता है कि किसी यूनिट में आपको ज्यादा इजी वाले क्वेश्चन मिल जाएं और किसी में ना ही मिले या कम मिले। ओके, इसमें देखते हैं ये फैमिली था, जो जो आप एमएससी बॉटनी में पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं कहीं ना कहीं से एमएससी कर ही रहे होंगे, तो जो चीज़ आपने एमएससी प्रिपरेशन के दौरान एमएससी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान स्टडी किया था, वही सब सारी चीज़ें यहाँ हैं। अगर आपने फ्लोरल डायग्राम में क्या क्या हम बनाते हैं, जो आपके यूजली प्रैक्टिकल में बताया जाता है आपको, वो अगर आपको समझ है तो आप ये आराम से कर लेते। कह रहा है द डायग्राम बिलो शोज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फैमिली मालवेसी। अब ये जो कह रहा है जो फ्लोरल डायग्राम है ये मालवेसी का है, मालवेसी फैमिली का है, जहाँ पे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस वगैरह जो प्लांट है आपके कॉमनली, उससे आप इसको पहचानते हैं। पार्ट्स ऑफ द डायग्राम हैव बीन लेबल्ड फ्रॉम ए टू डी। और जो इसके पार्ट्स हैं कह रहा है ये लेबल्ड किए गए हैं। ए, ये देखिए ये जो पार्ट है इसको ए से लेबल किया है, ये जो पार्ट है इसको इन्होंने बी से लेबल किया है, फिर सी, ये वाला पार्ट जो है इसको इन्होंने सी से लेबल किया है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये डी से लेबल किया है। अब ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट मैचेस बिटवीन लेबल्स एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब ये कह रहा है ये जो यहाँ पे लेबल दिए गए हैं ये एक्चुअली है क्या, वही आपको यहाँ पे मैच करना था, ठीक। तो आपको देखेंगे कि जो मालवेसी फैमिली है, देखिए यहाँ पे छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये मदर एक्सिस होता है, मदर एक्सिस मतलब जैसे मदर एक्सिस मतलब स्टेम हो गया आपका, ठीक। ये यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखिए ये जो है ये आपका मदर एक्सिस होता है, ठीक, जैसे मेन स्टेम, ठीक। और यहाँ से जहाँ से फ्लावर निकलेगा तो ऐसे उसी के रेफरेंस में हम सारे पार्ट्स बनाते हैं, ठीक। जैसे आप देखेंगे एक दो तीन चार पाँच हैं, पाँच क्या है ये कैलिक्स है, इसके बाहर क्या होते हैं, मान लीजिए मालवेसी में एपी कैलिक्स होते हैं, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, ब्रैक्ट हो गया, ठीक। ये थर्ड क्या हो गया आपका, ब्रैक्टियोल हो गया, तो ये ब्रैक्ट हो गया, ये आपका ब्रैक्टियोल हो गया, कैलिक्स आप देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं ये कैलिक्स हो गया, ठीक। और फिर कोरोला हो गया, ये अंदर वाला, ये वाला स्टेमन हो जाएगा और ये गाइनोशियम हो जाएगा। तो अगर आप इसका ऐसे टीएस काटते हैं, टीएस में चीज़ें कैसी दिखती हैं, वही हमारा फ्लोरल डायग्राम होता है, और मदर एक्सिस के रेफरेंस में ही हमेशा बनाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ क्यों मदर एक्सिस इंपॉर्टेंट है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच है, पांच आपको कैलिक्स दिख रहा है, क्यों ये वाला इधर है, ये वाला इधर क्यों नहीं है, बताइए। एक दो ये लैटरल है, नीचे दो है, क्यों ऐसा नहीं है कि ये वाला इधर हो सकता था, ये दोनों ऊपर होते। या अगर आप ये कोरोला का देखेंगे टीएस, क्यों ऐसा है, ये वाला जो है नीचे है, ये वाला ऊपर भी तो हो सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम मदर एक्सिस के रेफरेंस में बनाते हैं। मतलब फ्लावर आप देखेंगे जहां पे लगा है उसके सीधे पे जो मदर एक्सिस के पास ही रहेगा, मतलब इसका मतलब ये है कि मदर एक्सिस की तरफ कैलिक्स का जो ऑड है, क्योंकि एक दो तीन चार पाँच है, पाँच का मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर, तो मतलब जो ऑड नंबर वाला आपका कैलिक्स है वो मदर एक्सिस के सामने आपको मिलेगा, और वैसे ही जो ऑड नंबर वाला आपका कोरोला का लोब है वो आपको इंटीरियर साइड पर मिलेगा। इसको हम पोस्टीरियर साइड बोलते हैं, इसको इंटीरियर साइड बोलते हैं, ठीक। तो वही मालवेसी में जो बाहर का एक्चुअली हिस्सा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मालवेसी में आपको पता है कि क्या होते हैं, एपिकैलिक्स होते हैं, तो कैलिक्स के बाहर एपिकैलिक्स होता है। तो ए क्या है आपका एपिकैलिक्स, ए का थर्ड, और देखिए केवल एक ही ऑप्शन में है ए का थर्ड, मतलब यही सही होगा, आपको और में माथापच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक। मतलब आप अगर थोड़ा सा फैमिली का आपको आइडिया है आप तुरंत कर ले जाते हैं। फिर भी बी पे आते हैं, बी आपको पता है ये लगा हुआ है, और ये क्या होता है, बी आपका क्या होता है, सिनकार्पस ओवरी है, ओवरी का ये स्ट्रक्चर हो गया। सी पे आप आएंगे तो कैलिक्स का दिया है, ये देखिए ये क्या है, मैंने बताया एपिकैलिक्स के अंदर कैलिक्स, तो ये फ्यूज सेपल मतलब हो गया वही कैलिक्स, ठीक। और डी पे आप आएंगे आप, ये क्या हो गया, मोनोडेल्फस स्टेमन हो गया, ठीक। तो डी पे आप आएंगे क्या हो गया, डी का वन मिनट, सी का फोर हो गया फ्यूज सेपल, यस, और डी का आपका क्या हो गया, डी का सेकंड दे रहा है सिनकार्पस ओवरी,
थोड़ा सा यहाँ पे गलत है क्या क्वेश्चन? ये मोनोथीका स्टेमेन होना चाहिए, ए का ये होगा, एपिकैलिक्स होगा ए। वन मिनट, ए एपिकैलिक्स ए का थर्ड, ये तो सही है। बी में आप आएंगे तो यहाँ तक ये लेबल किया है, इसका मतलब क्या, ये ओवरी को दिखा रहा, तो सिनकार्पस ओवरी हो गया। सी का आप देंगे फोर्थ, फ्यूज सेपल्स हो गया, ये भी ठीक है। और डी का क्या होना चाहिए? डी का एक्चुअली होना चाहिए आपका मोनोथीकस स्टेमेन। ठीक है, ए का चौथा अगर बोल रहा फ्यूज सेपल्स तो होगा नहीं, ऑप्शन में मुझे गड़बड़ी लग रही है इसमें। ओके, बस ये मैं श्योर हूँ, ए जो है एपिकैलिक्स है आपका, बी जो है आपका क्या है, फ्यूज सिनकार्पस ओवरी हो गया आपका, सी का आपका चौथा फ्यूज सेपल्स हो गया, ठीक है, और डी का आपका क्या होगा, डी का एक्चुअली यहाँ पे देना चाहिए था मोनोथीकस स्टेमन। ओके, डी का पहला ही होगा श्योर, और डी का पहला केवल इसमें दिया हुआ है, सी का थर्ड बोल रहा है, सी एपिकैलिक्स, ये गलत है, यहाँ पे पेटल तो ये हो जाएगा, ये एपिकैलिक्स नहीं होगा, सी ये कैलिक्स होगा, तो ऑप्शन में गड़बड़ी है। उस हिसाब से सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड ही है। इस पे आते हैं, ठीक, इसमें पूछा है द फॉलोइंग डायग्राम्स ए टू डी शो करेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेंस विद इन अ फ्लावर। फर्स्ट टू यहाँ पे इससे मैच कराना है किस किस फैमिली का कैरेक्टर होता है। तो ये देखिए, ये मोनोडेल्फस स्टेमेंस हैं आपके, ठीक है, मोनोडेल्फस स्टेमेन। देखिए जब क्या होता है, जब सारे फिलामेंट जो है फ्यूज रहे और वो एक सिंगल ट्यूब बनाते हैं, जैसे हिबिस्कस में आपको मिलता है। डाइडेल्फस में क्या मिलेगा, जब फिलामेंट्स यूनाइटेड तो रहते हैं लेकिन दो ग्रुप बनाते हैं, फेबेसी में आप मिलेगा। सिंजेनेसिस कंडीशन क्या है, जब सारे एंथर यूनाइटेड रहे, फिलामेंट्स फ्री रहे, ये आपको एस्ट्रेसी में मिलता है। सिनेंड्रस क्या होगा, जब सारे एंथर पूरा फिलामेंट से एज वेल एज एंथर से जुड़े रहते हैं, मतलब पूरा का पूरा स्टेमेन जुड़ा होता है आपस में, तो उसको सिनेंड्रस बोलते हैं। ये क्यूकरबिटेसी में मिलता है। ये देखिए क्यूकरबिटेसी, पहला वाला मोनोडेल्फस हो गया, मोनोडेल्फस कहाँ पे मिलता है, मालवेसी में, मतलब ए का थर्ड हो गया, ठीक। बी डायडेल्फस, ये फेबेसी में मिलता है, तो क्या हो गया आपका, बी का सेकेंड, ये एस्ट्रेसी फैमिली मिलता है, सी वाला, तो सी का चौथा। डी क्या मिलता है, मैंने आपको बोला क्यूकरबिटेसी मिलता है, तो ये भी आसान था। इस पे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है कॉलम फर्स्ट में आपका ऑर्गेनिजम्स है और कॉलम सेकंड में आपके क्या है, उनके लाइफ साइकिल में आने वाले स्टेजेस हैं, किसमें किसमें क्या क्या पाया जाता है। तो आप देखेंगे अगर हेक्साकॉन जो है वो यहाँ पे दिया है ना, देखिए टीनिया, ओबिलिया, यूनियो, बेलानोग्लॉसस, ये चार ऑर्गेनिज्म है और इसके लाइफ साइकिल में स्टेजेस आने वाले, जैसे हेक्साकेंथ है, हेक्साकेंथ क्या है, ये लार्वल स्टेज है टीनिया का, ठीक है, तो हेक्साकेंथ लार्वल स्टेज है टीनिया का, तो इसके लाइफ साइकिल में आता है, तो ए का फर्स्ट ही होगा। अब ये दो ऑप्शन में है, पहले और तीसरे में, अब बी का देख लेते हैं दूसरा होगा कि तीसरा, ओबिलिया, ओबिलिया में पूछ रहा है ग्लोकिडियम आता है या प्लानुला आता है, तो आप ग्लोकिडियम देखेंगे, ये मसल्स के जो है उसमें लाइफ साइकिल में आता है, लार्वल स्टेजेस में आता है, ठीक, जैसे यूनोइडी, मार्गार्टी, फेरिडी में आता है, तो ये यूनियो में आएगा, ठीक। तो सी का क्या होगा आपका, सेकंड, ओबिलिया में आप देखेंगे जो थर्ड है आपका प्लेनुला आता है, ये देखिए प्लेनुला, ये फ्ली स्विमिंग फ्लैटेंड सिलिएटेड बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वल फॉर्म है जो निडेरियंस में पाया जाता है। निडेरियंस क्या क्या है, ऑर्गेनिज्म हमारा ओबिलिया है, तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, थर्ड वाला होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये स्लाइड खत्म होती है, ठीक है, वैसे और दो मैं आपको और बता देता हूँ, टॉर्नारिया और मिरासिडियम है। टॉर्नारिया ये क्या है, लार्वा है, कुछ हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है, जैसे बेलेनोग्लॉसस क्या है आपका, हेमिकॉर्डेटा है। मिरासिडियम है आपका, ये फ्लैटवर्म का लार्वल स्टेज है मिरासिडियम, और फ्लैटवर्म यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो चारों के चारे यहाँ पे हमारा मैच कर गया, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट बी से आया हुआ जो 2 नंबर का क्वेश्चन था, और ये भी आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान था, मतलब थोड़ा सा अगर आपने एक ही बार भी बार ये चीज़ें पढ़ा हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें यही मुझे प्रॉब्लम लगी क्वेश्चन में, कि मुझे अभी देखा मैंने कि
इसमें क्या उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। हमेशा समझिए, पहले ओवरी होता है, फिर स्टेमेंस होते हैं, फिर पेटल होता है, फिर कैलिक्स होता है, मालवेसी का फीचर है, इसमें एपिकैलिक्स पाया जाता है, और ए इसमें बनाया हुआ है इस पे, तो ए एपिकैलिक्स ही है, ए थर्ड ही है, और यही पे आपको किसी भी ऑप्शन में थर्ड मिलता नहीं है, इसीलिए यही ऑप्शन ही होगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने लेबलिंग थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया था। बी क्या है ये, बी आपका बी का ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने बनाया है जो कि एक्चुअली था किस पे, ओवरी पे था, सिनकार्पस ओवरी पे था, क्योंकि यहाँ पे एग्जाइल प्रेजेंटेशन पाया जाता, तो बी ही सही था। सी का इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, फोर दिया है, ये एक्चुअली क्या है, ये आपका कैलिक्स है, तो जिसे आप फ्यूज सेपल बोल सकते हैं, तो सी का चौथा भी सही था। लेकिन जो इन्होंने डी दिया है, डी इन्होंने ये यहाँ पे किया है, मार्क किया है, लेकिन यहाँ पे डी का सेकंड नहीं होगा, आप देखेंगे सिनकार्पस ओवरी नहीं है ये, ठीक है। सेकंड तो यहाँ पे बी का सेकंड हो गया ना, डी का यहाँ पे क्या देना चाहिए था इनको, यहाँ पे इनको देना चाहिए था मोनोथिकस स्टेमेन, मतलब फर्स्ट, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई ऑप्शन में, शायद आपको इसका बेनिफिट मिल जाए अगर आपने ये क्वेश्चन किया होगा तो। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।